हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेज हाउस। आज हम बनाने वाले हैं व्हीट कस्टर्ड केक, जो गेहूं के आटे से हमने बनाया हुआ है। आप देख सकते हो ये केक बहुत ही हेल्दी है, जैसे कि हमने गेहूं के आटे से बनाया हुआ है और बहुत ही कम चीज़ों में बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली हुई है, मैं यहाँ पर रखूँगी रिंग और ढक रख के इसे 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे प्रीहीट करना है ताकि केक हमारा अच्छे से बेक हो जाए। तो चलिए अब केक का बैटर बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ 2 कप गर्म दूध लिया है, ऐड करेंगे उसमें कस्टर्ड पाउडर 2 टेबलस्पून। इसे हमें मिक्स कर लेना है, यहाँ पे कोई लम्ब्स नहीं रहना चाहिए, इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, 1 कप पीठी शक्कर यानी कि क्रश शुगर, 1/3 कप ऑयल, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। इसे हम मिक्स कर लेंगे और जो कस्टर्ड मिल्क हमने बनाया था उसे धीरे धीरे डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप मिल्क इसमें ऐड करो तो इसकी कंसिस्टेंसी प्रॉपरली केक के बैटर की तरह होनी चाहिए, इसमें कोई भी लम्ब्स नहीं रहना चाहिए। ये आप देख सकते हो, ये जो हमारा केक का बैटर है ये प्रॉपरली हो चुका है। यहाँ पे मैंने 8 इंच का केक का टीनर लिया है, साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बटर पेपर रखा है। बटर पेपर केक के लिए बहुत ही सही है, जो कि केक आपका स्टिक नहीं होगा। अब ये जो बैटर हमारा रेडी हुआ है, हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से हम क्विक मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सोडा डालने के बाद अब इसे केक के पॉट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब केक के टीन को हम 2 से 3 बार टैप कर लेंगे। तो चलिए अब इसे बेक कर लेते हैं। ये जो हमने प्रीहीट करने रखा था अब हम इसे बेक करने रख देंगे। और दोस्तों, यहाँ पे मैं केक को थोड़ा ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करने वाली हूँ, तो इसमें मैंने यहाँ पे काजू बादाम पिस्ता लिए हुए हैं, तो इसे हम स्प्रिंकल कर लेंगे। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप चेरी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास चोको चिप्स है या फिर कैडबरी भी आप क्रश करके इसमें ऐड कर सकते हो। तो चलिए हम इसे 30 मिनट के लिए बेक कर लेते हैं। तो चलिए एक बार इसे चेक कर लेते हैं। ये टूथपिक डाल के इसे हमने चेक किया था लेकिन ये स्टिक हो रहा है, तो इसे हम और 10 मिनट के लिए बेक होने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं। तो मैं टूथपिक डाल के देखती हूँ। ये देखिए, ये केक हमारा अच्छे तरीके से बन चुका है। गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और केक को बाहर निकालेंगे। केक को हमें अब ठंडा करके लेना है। ठंडा होने के बाद नाइफ डाल के हम साइड के किनारे से उसे अलग कर लेंगे। ये देखिए, अब इसे प्लेट के ऊपर हम निकाल लेंगे और ये जो बटर पेपर था इसे भी हम रिमूव कर लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हो हमारा ये जो व्हीट कस्टर्ड केक है ये बन के रेडी हो चुका है। ये बहुत ही हेल्दी केक है, आप घर पे बनाइए, बच्चों को खिलाइए। और ये रेसिपी बनने में बहुत ही इजी है। अगर आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा है तो आपको समझ आया होगा कि ये सब घर में चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिए, पसंद आए तो कमेंट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ।